पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अगर किसी भी क्षेत्र में हंगामा होने पर क्षेत्राधिकारी को तुरंत मौके पर पहुंचना होता है, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि क्षेत्र के अधिकारी के पास केवल एक या दो हमराहों के साथ मौके पर पहुंचने पर भीड़ को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। ऐसी स्थिति बन जाती है कि भीड़ को रोक नहीं पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने क्षेत्र अधिकारियों की टीम बनाने के निर्देश दे दिए हैं, जिसमें जरूरत पड़ने पर लॉ एंड ऑर्डर की आवश्यक कार्रवाई करने की भी निर्देश दिए हैं। इस आदेश के तत्काल बाद क्षेत्राधिकारी कटघड़ आशुतोष तिवारी ने कटघड़ थाने से और गल शहीद थाने से 10 पुलिस कर्मियों की एक टीम बना ली है, जिसमें 2 दरोगा और सिपाही महिला सिपाहियों को भी रखा गया है। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद महोदय के निर्देश के क्रम में सर्कल स्तर पे रिजर्व स्ट्राइक टीमों का गठन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ये है कि किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में एक रिजर्व टीम CO क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में रहे। ये टीम क्षेत्राधिकारियों की डेडिकेटेड टीम है। इसमें क्षेत्राधिकारी अपने हिसाब से जो भी काम करवाना चाहेंगे, कभी भी किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में ये टीम तत्काल एकत्रित होकर CO के साथ मौके पर जाएगी। अच्छा, इस टीम में सर कितने लोग होंगे? इस टीम में अभी जो है हमारे अंदर 2 SI, 4 महिला कांस्टेबल और 11 पुरुष कांस्टेबल इसमें किए गए हैं। टोटल 17 लोगों की टीम बनी है। किन किन उपकरणों में से लैस होंगे? क्या क्या? ये एंटी राइड गन, टीयर गैस गन और प्रोटेक्टिव गियर के साथ ही टीम अपना रहेगी। अच्छा, किस तरीके से काम करेगी सर इस टीम का? ये है कि ये टीम किसी भी थाना पे जो क्षेत्राधिकारी रखना चाहे उस थाने पर रहेगी। किसी भी इमरजेंसी की दशा में तत्काल ये टीम एकत्रित होगी और वहीं से ये टीम क्षेत्राधिकारियों के साथ मूव कर जाएगी घटना स्थल पर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।